वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। बात करें हम जॉब्स के बारे में तो राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट में चाहे अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस ड्यूटी भी भर्ती हो, चाहे संविदा आधारित भर्ती हो, चाहे हम बात करें परमानेंट भर्तियों के बारे में। परमानेंट भर्तियों में कुछ कैडर की जो है फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है और बाकी कैडर की भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। संविदा आधारित जो भर्तियां की जा रही हैं, चाहे वो जीएनएम के लिए हो चाहे एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अभी प्रक्रियाधीन है, एएनएम के जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं और इनकी लिस्ट भी जल्दी जारी की जाएगी। यूटीबी आधारित जो भर्तियाँ की जा रही हैं अभी, हालांकि देखिए श्री गंगानगर सीएमएचओ द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें मेडिकल ऑफिसर यानी कि चिकित्सक के लिए भर्ती की गई थी, जिसके जो है इंटरव्यू संपन्न किए जा चुके हैं आज 29 जुलाई 2024 को। आज ही एक नया जो है भर्ती जारी किया गया है जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा जारी किया गया। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो आपके जो भी जरूरतमंद साथी हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे उस नोटिफिकेशन की तरफ जो कि आज जारी किया गया है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा। मुख्य चिकित्सा कार्यालय मुख्य चिकित्सा यानी कि सीएमएचओ जोधपुर ग्रामीण द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 26 जुलाई 2024 आज ही का ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। विज्ञप्ति संख्या 1/2024 जारी किया गया है। बात करें हम जिले की निम्नलिखित आंगनबाड़ी केंद्रों पर, जो आंगनबाड़ी केंद्र नीचे दिए गए हैं जो कंसर्न बीसीएमओ के अंडर में आते हैं, उन ग्राम पंचायत के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों वार्डों में आशा सहयोगिनी के स्वैच्छिक कार्य आधारित मानदेय सेवा के लिए रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है, निकाली गई है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा, जिसमें पद हैं आशा सहयोगिनी के लिए। तो जो भी आशा सहयोगिनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पे जोधपुर ग्रामीण में आप आवेदन कर सकते हैं। कौन सी आंगनबाड़ी है जहाँ पे पद रिक्त हैं उनकी कंप्लीट यहाँ डिटेल दी गई है। ये नोटिफिकेशन आपको प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया गया है। इसमें नोटिफिकेशन है, फॉर्म भी आपको वहाँ उपलब्ध करवा दिया गया है। बाकी किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले आप ये देख लें कि भाई आप किस क्षेत्र के निवासी हैं और क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर पद रिक्त है या नहीं है। कुछ एरियाज हैं, जैसे मैं बात करूं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी का नाम याद दिया हुआ, रिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों की डिटेल यहां दी गई है। डॉक्टर विरंजी आचार्य जो खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लूणी से हैं, उनके अंडर में जो है बटिंडा, पाल, खारडा, रणधीर और काकेलाव और भाकरी, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ पे जो है आशा सहयोगिनी के लिए पद रिक्त है। आप जो भी इस एरिया के निवासी है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए वहाँ का मूल निवासी होना आवश्यक है आपको, उस वार्ड का, उस ग्राम पंचायत का, तभी आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे। जो बीसीएमओ बिलाड़ा है वहाँ के जो लांबा, हरियाणा, रणसिंगा गाँव, असंबाड़िया, कुपवाड़ावास और गाना मंगरा जो एरिया है यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी भोपालगढ़ एरिया की मैं बात करूँ तो इसमें तांबड़िया खुर्द और बासनी और जसवंता जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे पद रिक्त हैं। और डॉक्टर रईस खान मेहर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बालेसर हैं, मालकी ढाणी, गुंदियाल नाड़ी, करनीसर और मुंडसर। डॉक्टर नक्ताराम है बीसीएमओ सेखाला से, इनके एरिया में चंद्रवान की ढाणी, बोतियों की ढाणी, देड़ा, सोड़ों की ढाणी, गोस्वामी की ढाणी। डॉक्टर भंवर चौधरी खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरगढ़, कौशल सिंह का बेरा नइयों की ढाणी, बोमासागर द्वितीय, सोहनगढ़, भोनसागर, रणजीत नगर, पुंगलिया, रतनसर, रानी, भटियाणी जी का स्थान और देवराजगढ़, हिम्मत नगर, मेघवालों की ढाणी, रतनगढ़, ये सभी एरिया में पद रिक्त हैं। डॉक्टर मोहनदास खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी धवा, चाली, धुनावास, सारणावास, हिंगोला, हमीरनगर, लोलासनी और दादासर, यहाँ पे जो है आशा सहयोगिनी के लिए पद रिक्त है। इसी प्रकार से हम बात करें जो पिपाड़ा एरिया है, बावड़ी एरिया है और चामू एरिया है। पिपाड़ा में रतकुड़िया सियारा में और बावड़ी में कजनों और
कजनाऊ खुर्द 2 और चामू के अंदर नाथराऊ, मेरिया, प्रहलादपुरा, भालू, कुमानिया और राणोजी का बास, ये सभी जो एरिया है यहाँ पे, यानी कि ये जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पे आशा सहयोगिनी के लिए पद रिक्त है। आप जिस एरिया के निवासी हैं आप उस एरिया में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये आपको जो है प्रगति एजुकेशन 24 टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। और आप चाहे तो सादे पेपर पर भी आप जनरल एप्लीकेशन टाइप से आप आवेदन पत्र लिख कर जो समस्त वांछित दस्तावेज हैं आपके एजुकेशनल जितने भी है वो सारे डॉक्यूमेंट आप संलग्न करके आपको जमा कहाँ करवाना है, देखिए कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी में व्यक्ति से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा 27 अगस्त 2024 यानी कि एक महीने का आपको समय दिया गया है, 27 अगस्त 2024 तक 5:30 बजे तक आपको जो है जमा करवाना है। देखिए आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, वो आप थोड़ा क्लियर कर लें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आप बिलाड़ा के निवासी हैं, ठीक है, और इस आंगनवाड़ी केंद्र के जो एरिया में आप निवासरत हैं, जैसे आप लांबा जो एरिया आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पे पद रिक्त है, यहाँ पर आवेदन करना चाह रहे हैं, तो आपको जो दस्तावेज है यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको कहाँ जमा करवाना है, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलाड़ा आप चले जाए, यहाँ पे आपको जो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने, यानी कि जिस रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र पर आप आवेदन करना चाह रहे हैं उससे संबंधित जो खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वहां पर आपको आवेदन आपका सबमिट करवाना है, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट करवाएं, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जैसे आप पिपाड़ में आवेदन करना चाह रहे तो रतकुड़िया सीआरआई में आवेदन करना चाह रहे तो आप पिपाड़ बीसीएमओ के पास जाएंगे, यहां सबमिट करवाएंगे, आपको जोधपुर जाने की आवश्यकता नहीं, यानी कि खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आपको संबंधित बीसीएमओ के पास जाके आपके डॉक्यूमेंट जो है दस्तावेज जो है सबमिट करवाने हैं। 27 अगस्त का समय है, एक एनवलप में आप डॉक्यूमेंट रखिए और आप व्यक्ति से भी जमा करवा सकते हैं, आप या फिर डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। विज्ञप्ति के संबंध में आंगनवाड़ी केंद्र या ग्राम पंचायत संबंध, अगर आपको और भी कोई इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण या फिर कंसर्न बीसीएमओ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस आशा सहयोगिनी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आपके कंसर्न बीसीएमओ के वहां पे आप जाएं और आपके जो भी दस्तावेज यानी कि 10वीं क्लास से लेकर अगर आपने ग्रेजुएशन 12वीं या जो भी आपने किया हुआ है वो सभी आपको दस्तावेज लगाने हैं, आधार कार्ड लगाना है आपका, पैन कार्ड लगाना है, सॉरी पैन कार्ड नहीं लगाना है, आधार कार्ड लगाना है आपका, जन आधार कार्ड है वो लगा दीजिएगा, जो जो भी आपके पास दस्तावेज है वहां के वो सारी चीज़ें आपको लगानी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जैसे आपके पास कोई RSAT वगैरह कोर्स हुआ कंप्यूटर का या कोई भी कोर्स हुआ तो वो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, या आपने NTT वगैरह कोर्स किया हुआ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, या ECC कोर्स किया हुआ है, या फिर और भी कोई मॉन्टेसरी वगैरह कोर्स किया हुआ है तो वो आप यहाँ पे आवेदन करते समय आप लगा सकते हैं, आपको थोड़ा सा उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ग्रामीण द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई है और विज्ञप्ति बेसिकली है आशा सहयोगिनी के पद पर, यानी कि आप जो भी आशा सहयोगिनी के पद पर इसमें आवेदन करना चाहते हैं, रिक्त आंगनवाड़ी के केंद्र आपको यहाँ मिल गए हैं, आप जहाँ पे निवास करते हैं वो आप यहाँ देख लें और कंसर्न BCMO के वहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।